उत्तर प्रदेश के सीएम योगी शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर 5 जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले हैं। इसी सिलसिले में सीएम योगी बहराइच जिले के बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण कर गोंडा के उमरी बेगमगंज के बाबा मठ पर पहुंचे। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित किया। इसी दौरान कैंप में एक बाढ़ प्रभावित महिला के हाथों में उसके छोटे बच्चे को देखते ही मुख्यमंत्री खुद को रोक न सके और बच्चे को प्यार से पुचकारते हुए कहा, क्या नाम है? बच्चे को दोनों हाथों से संभालते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चे को कहा, पहलवान बच्चा है। मुख्यमंत्री का ये रूप देखकर बाढ़ पीड़ित महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। मुख्यमंत्री बच्चे को महिला को सौंपते हुए आगे बढ़ गए। सर्वेक्षण करने के बाद यहाँ पर कुछ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री, प्रदेश के अंदर लगभग 15 गांव, 15 जनपद वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं, उनको करना पड़ रहा है। नेपाल से आने वाली नदियों, खासतौर पर सरयू, घाघरा, शारदा, राप्ती और अन्य सहायक नदियों के कारण वर्तमान में हमारे सभी जनपद प्रभावित हुए हैं। अक्सर मुख्यमंत्री का बच्चों से प्यार दुलार सार्वजनिक होता रहता है। इससे पता चलता है कि जहां एक और मुख्यमंत्री जितना शासन सत्ता चलाने में सख्त हैं, वास्तव में उनके अंदर बच्चों के प्रति एक असीम स्नेह करने वाला व्यक्तित्व भी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओम चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।